वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सपनों के सफर में मिला माँ का साथ, मिस यंग इंडिया को पहली नजर में दे बैठे दिल, उपचुनाव से ली थी पॉलिटिक्स में एंट्री, पहले हाथ थामा फिर हो लिए ममता दीदी के साथ। बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं मोहल्ले में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने फिल्मों में खूब नाम तो कमाया ही और जब राजनीति की तरफ रुख किया तो वहां भी चार चांद लग गए। बिहारी बाबू नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों बंगाली बाबू बनने पर खूब चर्चा है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शत्रुघ्न सिन्हा के करियर के बारे में। यूं शुरू हुआ था बिहारी बाबू का फिल्मी करियर। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 में एक साधारण परिवार में हुआ था। चार भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न किसी की भी मिमिक्री आसानी से कर लेते थे। फिल्मी दुनिया में वो राज कपूर को अपना आइडल मानते थे। वो राज कपूर की फिल्मों को देखते और उनकी नकल करते थे। शत्रुघ्न बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बने। शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बिना बताए फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे फॉर्म भर दिया, जहां दाखिला लेने में माँ और भाइयों ने मदद की। यहां से सपनों के शहर मुंबई भी पहुंच गए। पूनम चंद्रमणि को पहली नजर में दे बैठे थे दिल। 27 जून 1965 को बिहारी बाबू ने पटना से पुणे जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। इत्तेफाक से इस ट्रेन में मिस यंग इंडिया और अभिनेत्री पूनम चंद्रमणि भी सफर कर रही थी। बिहारी बाबू की पूनम पर नजर पड़ी तो वो रो रही थी। उन्हें चुप कराने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मैगजीन पर लिखा, इतनी सुंदर लड़की रोते हुए अच्छी नहीं लगती, और मैगजीन पूनम को दे दी। हालांकि उस वक्त पूनम ने वो मैगजीन फेंक दी थी, लेकिन मिस इंडिया बनने के बाद पूनम बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए आई थी। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिर काम के सिलसिले में दोनों मिले और वहाँ उनकी दोस्ती हुई, वो जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि पूनम चंद्रमणि की माँ को शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों की शादी हो गई। बॉलीवुड में लेट लतीफी के लिए मशहूर हैं बिहारी बाबू। बॉलीवुड में उनके लेट लतीफी को लेकर बड़ी चर्चा होती है। उन्होंने एक कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार भी किया है। वो किसी भी फिल्म के सेट पर समय को लेकर पाबंद नहीं थे। इतना ही नहीं, वो अपनी शादी में भी 3 घंटा लेट पहुंचे थे। इस बारे में उनके दोस्त अमिताभ बच्चन ने कहा था कि कुछ आदतें पैदाइशी होती हैं और उन्हें बदलना नहीं चाहिए। अमिताभ ने आगे बताया, उन दिनों हम लोग दो फिल्मों में शान और नसीब में साथ साथ काम कर रहे थे। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शान की शूटिंग फिल्म सिटी में होती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में काम कर रहे थे। 7 से 2 बजे तक काम करने के बाद हमारी छुट्टी होती थी। मैं गाड़ी से चांदीवली स्टूडियो चला जाता था। शत्रुघ्न भी अपनी गाड़ी में बैठकर चांदीवली निकलते थे। मैं 2:30 बजे पहुंचता था और ये 6-7 बजे तक आते थे। कैसे हुई पॉलिटिक्स में एंट्री? साल 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर और दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में उन्हें 1 सीट दिल्ली की छोड़नी पड़ी। साल 1992 में सीट पर उपचुनाव हो रहे थे और कांग्रेस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को टिकट दे दिया। ऐसे में बीजेपी को भी उनके टक्कर का चेहरा चाहिए था, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना लिया। राजेश खन्ना को शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दिलचस्प मुकाबले में हरा दिया। बस फिर क्या था, इस चुनाव के बाद बिहारी बाबू बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गए और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक मौका मिलता गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री तक बने। 1996 में भाजपा ने शत्रु को राज्यसभा भेजा। कार्यकाल पूरा होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा राज्यसभा भेजा गया। अटल सरकार में शत्रुघ्न को साल 2002 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। साल 2003 में उन्हें जहाजरानी मंत्री भी बनाया गया। 2009 में बिहार की पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न ने जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी से बगावत कर टीएमसी के हुए बिहारी बाबू। साल 2014 में एक बार फिर उन्हें बीजेपी ने पटना साहिब से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद बिहारी बाबू ने बगावती सुर अख्तियार कर लिया और पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। इसका असर ये हुआ कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका पटना साहिब से टिकट काट दिया गया। इसके बाद वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया, जहां वो भाजपा के रविशंकर प्रसाद से हार गए।
इस साल मार्च में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है और एक बार फिर आसनसोल से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये राजनीति पारी कितनी असरदार होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।